नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक दुबे आपके साथ। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। देवघर सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर से उलझा युवक, किया गया पुलिस के हवाले। बता दें, देवघर के सदर अस्पताल में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। देवघर सदर अस्पताल पहुंचा एक युवक ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद युवक को काबू में करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। युवक की पहचान देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के मारेनी गांव निवासी आनंद कुमार के रूप में की गई है। इसके बाद पुलिस युवक को नगर थाना ले आई। देखिए ये रिपोर्ट। देवघर कार्तिक पूर्णिमा में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग बढ़ चढ़कर दर्शन के लिए पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। देवघर के रिखिया में एटीएम लूटने का प्रयास, पुलिस जांच में जुटी। देवघर के रिखिया थाना अंतर्गत बाबूडी में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया। एटीएम लूटने में असफल होने पर बदमाशों द्वारा एटीएम मशीन उखाड़ दिया गया। रिखिया थाना के पुलिस के अनुसार बैंक खुलने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। बहरहाल, रिखिया थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे आपराधिक वारदात पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लापरवाही, देवघर में मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना का पैसा खत्म, इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। देवघर में गंभीर बीमारियों से पीड़ितों की स्थिति सरकारी लापरवाही से बेहद खराब हो गई है। मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना की राशि खत्म हो जाने से हर दिन गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब मरीज देवघर सिविल सर्जन कार्यालय में मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक पीड़ित मरीज सरकार से राशि उपलब्ध होने के इंतजार में हैं। इधर देवघर सिविल सर्जन ने सरकार से 2 करोड़ रुपए की तत्काल मांग भी की है। देखिए ये रिपोर्ट। फेस उठा अपने। अरे मुंह उठा, फेस उठा। जब मारते हो नहीं देखते हो, जब मारते हो तो फेस नीचे करते हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा पहुंचे देवघर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने मासिक लोक अदालत में लिया हिस्सा, किया बाबा बैद्यनाथ का दर्शन। उनके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड सह छालजा के मुख्य संरक्षक अनिरुद्ध बोस, हाईकोर्ट रांची के जस्टिस एस सी मिश्रा भी शामिल थे। देखिए देवघर से ये रिपोर्ट। माननीय राजेश उपाध्याय जी हम लोग के बीच में आए और हम लोग का तथा हम लोग का सम्मान बढ़ाए। फिलहाल अभी की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।